मायावती और अखिलेश यादव साथ चले थे सोशल इंजीनियरिंग करने। इंजीनियरिंग तो हुई लेकिन मायावती की। अखिलेश और अजीत सिंह ने मायावती का पूरा खेल ही खराब कर दिया। मायावती हाथी पर सवार होकर दिल्ली जाने के सपने बुनती रही और अखिलेश चुपचाप उसमें पलीता लगाते रहे। मायावती के कुछ वोट तो अखिलेश और अजीत सिंह को मिले लेकिन इन दोनों ने अपना वोट मायावती को ट्रांसफर नहीं किया और चुनाव खत्म होते ही अखिलेश ने कांग्रेस का रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो राहुल गांधी का साथ देंगे। अजीत सिंह भी वैसा ही करेंगे जैसा अखिलेश यादव ने किया। बबुआ के इस खेल पर बुआ जी फिलहाल चुप है। दिल्ली जाने का इरादा था उसे भी बदल लिया। अब पता नहीं कब वो सोनिया गांधी से मिलेंगी, मिलेंगी भी या नहीं पक्का नहीं है। जो अनुमान है उसके मुताबिक बुआ बबुआ की जोड़ी हार रही है और उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलने वाला है। मायावती के लिए संतोष करने लायक यही है कि 2014 की तरह वो शून्य पर नहीं रहेंगी। बीएसपी को कुछ सीटें मिलेंगी लेकिन इतनी नहीं कि वो कुछ कर पाए। बीजेपी ने वही दांव चला जिसके सहारे उसने विधानसभा चुनाव जीता था। गैर जाटव दलित ओबीसी और अगली जातियों के मेल ने बुआ बबुआ का खेल बिगाड़ दिया और सबसे बड़ी बात ये कि पीएम मोदी की छवि के सामने यूपी में कोई टिक नहीं पाया। अब मायावती को सोचने की बारी है कि क्या अखिलेश से उनका गठबंधन आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव होंगे और पेच ये है कि सीएम पद का दावेदार कौन होगा, मायावती या अखिलेश यादव। नतीजों के बाद इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि इस चुनावी गठबंधन का क्या हश्र होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।